हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयसिंदर केंद्रीय विद्यालय के बाहर एक माह पूर्व मिले हैंड ग्रेनाइड का सेना ने एक धमाके के साथ किया निस्तारण। सेना के बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनाइड में विस्फोट कर इसका निस्तारण कर दिया। वर्ष 1965 के युद्ध काल का माना जा रहा था हैंड ग्रेनाइड। गढ़ा रोड थाना क्षेत्र के जयसिंदर स्थित केंद्रीय विद्यालय के गेट पर करीब एक माह पूर्व मिले वर्ष 1965 के युद्ध काल के हैंड ग्रेनाइड का निस्तारण शनिवार को आखिरकार सेना की एक टीम ने कर दिया। मेजर शाश्वत शुद्धका के नेतृत्व में एक टीम ने स्कूल के समीप ही इस बम को एक धमाके के साथ निस्तारित कर दिया। इसे सभी ने बड़ी राहत महसूस की। गढ़ा रोड थाना क्षेत्र के जयसिंदर स्थित केंद्रीय विद्यालय के गेट पर करीब एक माह पूर्व मिले बम का निस्तारण नहीं हो पा रहा था, जबकि स्कूल चालू होने से दिन भर बच्चों का आवागमन रहता है। ऐसी स्थिति में गढ़ा रोड थाना पुलिस के 3 कांस्टेबल पिछले एक माह से इस बम का पहरा दे रहे थे। स्कूल के मुख्य गेट दीवार के पास बम को एक रेत से भरे कट्टे में डाल उसके आसपास पत्थरों को रखा गया था। पुलिस कर्मी उस बम की निगरानी करते थे। पुलिस के जवान 3 पारी में रोज बम का पहरा दे रहे थे। बताया जा रहा है कि ये हैंड ग्रेनाइड वर्ष 1965 के युद्ध काल का था। इसके फटने की आशंका बनी रहती थी। जिला प्रशासन के आग्रह पर सेना ने आज मेजर शाश्वत शुक्ता के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा। इस टीम ने पुलिस की मदद से स्कूल के सामने खाली पड़े हिस्से को खाली करवा दिया। इसके बाद इसमें विस्फोट कर इसका निस्तारण कर दिया। पुलिस की ओर से जिला प्रशासन को बम निस्तारण के लिए अवगत करवा दिया गया था, लेकिन बम निरोधक दस्ता उपलब्ध नहीं होने से बम कट्टे में ही पैक करके रखा गया। गढ़ा रोड थाना अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि जयसिंदर केंद्रीय स्कूल के गेट के पास 22 फरवरी को खुदाई के दौरान हैंड ग्रेनाइड बम मिला था। बम पुराना होने से जंग लगा हुआ था, लेकिन जीवित था। ऐसे में बम को उसी जगह एक कट्टे में रखा गया है और 3 पुलिस कर्मियों को पहरे पर लगाया हुआ था। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।